ट्वेल्थ में है जो स्कूल का सिलेबस होगा कोर्स में, स्कूल बोर्ड प्लस उसके साथ साथ जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि इन्होंने बायो लिया हुआ है तो अभी ये नीट के लिए तैयारी करना चाहेंगी साथ में, तो साथ ही साथ हम आपको नीट की तैयारी भी कराते हैं, क्योंकि पता ही होगा आपको कि नीट में 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आता है। ठीक, तो ये हम नीट का सिलेबस आपको यहाँ पर कवर कराएंगे। इसकी जो क्लासेस हैं वो 4 डेज चलती हैं इन अ वीक, हफ्ते में 4 दिन। अब वो 4 दिन कौन से होते हैं, मंडे जब आप आएंगे तो आपको पूरा टाइम शेड्यूल मिल जाएगा। इसमें सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी 4 सब्जेक्ट कवर कराते हैं, और इसका पूरा स्टडी मटेरियल भी हम आपको यहीं से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि टाइमिंग भी बता दें, टाइमिंग इवनिंग की होती है 4 to 7:30, 4 से 7:30 बजे तक। हर एक एक क्लास के बाद आपका गैप भी होगा, लगातार क्लासेस नहीं होती हैं। 4 दिन तो आपके क्लासेस होगी, उसके अलावा जो 3 दिन बच रहे हैं उसमें, वो 3 दिन आपके हैं, उसमें आप घर पे बैठ के रिवीजन भी कर सकते हैं, जो टीचर्स ने पढ़ाया उसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप अपने डाउट क्लियर करने के लिए आ सकती हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है तो भी आप आ सकती हैं, टीचर भी एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं तो भी यही 3 दिन में लगाएंगे। ठीक है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ सकते हैं। प्लस हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है आई ट्यूटर करके, दैट इज़ इसमें क्या होता है, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ये 4 सब्जेक्ट के इंडिविजुअल जो चैप्टर्स के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमने डाले हैं। तो इसे क्या होता है, कोई किसी दिन आप नहीं आई, ठीक है, कोई टॉपिक आपको यहाँ पढ़ा दिया गया स्कूल में, उसका टेस्ट है, आपको रिवाइज़ करना है, तो इस पर आप जाके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो पढ़े हैं उसे आप पढ़ सकते हैं। इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको जब आपका एडमिशन होता है तो आपको मिल जाता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल में आपको बुक्स वगैरह मिलेगी, बैग मिलेगा, टी शर्ट यहाँ से मिलती है बच्चों को, पूरा पैकेज उनको यहाँ से मिलता है। ठीक, टेस्ट सीरीज होती है वो आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक, 15 दिन पे एक टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट करते हैं हर 15 डेज पे, जो कि होता है फॉर्टनाइटली टेस्ट। ठीक है, और मंथली इसमें हम लोग कराते हैं AIATS, ये आपका स्कूल के पैटर्न पर बेस्ड होता है। AIATS जो होता है, ये जो नीट की परीक्षा होती है उसका जो जिस तरीके से पेपर होता है सेम उसी पैटर्न पर ये बेस्ड होता है। सारे ऑल ओवर इंडिया जितने भी सेंटर्स हैं हमारे, सबके बच्चे कंबाइंड एक इसको ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, और इस नीट में आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक निकल के आती है, तो आपको पता चलता रहता है कि आपकी क्या प्रिपरेशन है। मान लीजिए फिजिक्स में आपके नंबर कम आ रहे, केमिस्ट्री में कम आ रहे, तो आपको आइडिया रहता है कि आपको कहाँ पे और प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के लिए एवरी मंथ हम इस टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं, तो यानी कि पूरे एक साल में ये आपके 12 टेस्ट होंगे और ये आपके हो जाएंगे 24। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज हमने आपको बता दिए, डेली बेसिस पे डेली प्रैक्टिस पेपर्स और असाइनमेंट्स भी देते हैं टीचर, जो जो सेगमेंट कवर करते जाते हैं उसका आपका टेस्ट लेते रहते हैं। टाइम टू टाइम पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो आप यहाँ पर आके या पेरेंट्स आके आपका परफॉर्मेंस भी जान सकते हैं। जो भी टेस्ट होता है उसका रिजल्ट भी हम लोग बच्चों से MS Teams पे शेयर करते हैं, और बाकी SMS के थ्रू भी आपको अपडेट मिलता है, तो आप भी बच्चों के परफॉर्मेंस को आके यहाँ पे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा जो होता है हमारा इस प्रोग्राम का जो मोटो होता है वो यही होता है कि बोर्ड की तैयारी, क्योंकि कोई सिलेबस तो अलग है नहीं, जो 12th का है सिलेबस वही आपका नीट का भी सिलेबस है। अच्छा, 11th आप कहीं बाहर से करके आए हैं, उस सिलेबस की आपकी कितनी तैयारी है हमें नहीं पता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास 11th का रिवीजन भी कराते हैं आपको। जब 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये टारगेट रहता है कि नेक्स्ट ईयर जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगी उसी ईयर आप नीट का दें और एक अच्छा रैंक आपको मिल जाए। तो फीस में टोटल फीस 1,50,362 रुपये है। अभी सिक्योरिटी 5,000 होती है जो कि आपको एक साल के बाद रिफंड हो जाती है। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन, एडमिशन और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ तक का पेमेंट आपको करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जब बच्चा क्लास में बैठा होता है तो उसका यहाँ तक पेमेंट होना ज़रूरी होता है। बाकी नीचे के 3 इंस्टॉलमेंट आप देख रहे हैं, इनके जो है आपको 3 पोस्ट डेटेड चेक्स देने होते हैं, यानी कि 8 जून का एक है तो 8 जून का चेक देंगे, 1 8 अगस्त का दे देंगे आप, और आप देंगे 1 8 9 10 छोड़ के ये 10 का होगा। ठीक है, ये होगा आपका। अब डिस्काउंट के लिए क्या होता है,